सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। यार आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब काफ़ी बढ़िया होंगे। और अभी बज चुके हैं, 3 बज चुका है। तो आज का जो हमारा मोटो व्लॉग होने वाला है, काफ़ी लेट शूट हो रहा है यार, टाइम नहीं मिल पा रहा था मेरे को। तो अभी हम जा रहे हैं, एक बहुत ही बढ़िया लोकेशन में जाने वाले हैं। तो अपनी बाइक ये है और साथ में हमारे साजी हैं और मोहित भाई NTD तक आएंगे। तो अभी चलते हैं। तो यार चलते हैं और राइड को शुरू करते हैं अपनी। पहले यार हवा भरा लेते हैं, हवा ज़्यादा नहीं है क्योंकि पहले हवा भराते हैं। हवा हम सामने से भराएंगे, तो करते हैं अपनी गाड़ी शुरू। सो फाइनली यार हमने हवा भरा ली है और अभी हम जा रहे हैं अपना कसाड़ देवी वाली रोड में। तो काफ़ी टाइम से नहीं गए हुए थे तो सोचा क्यों ना यार वहीं का एक मोटो व्लॉग बनाया जाए। यह आ गया अपना शिखर चौक, यहाँ से हम हो जाते हैं अपना ऊपर को। तो ये है, अभी चलते हैं, अभी आप लोगों से आगे मिलते हैं। हम मोहित भाई अपना आगे चले गए हैं, वो तो NTD तक ही आ रहे थे, बट हम जा रहे हैं अपना पूरा कसाड़ देवी वाली रोड में। स्कूल का टाइम हो रहा है छुट्टी होने का, तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी है अभी और थोड़ा सा दिक्कत हो रही है जाने में। तो थोड़ा सा लेते हैं, सारे देख सकते हैं यार आप लोग, काफ़ी बच्चे जा रहे हैं स्कूल के। सामने यार मेरा गांव भी है अलसीमा, तो यहाँ भी कभी जाएंगे यार। और इतना अपर को अपना जेल वाली रोड, वो चलते हैं अभी। तो चलो भी हम चलते हैं अपर को अपना, हो गया आते हैं अभी, ठीक है। अभी हम चलते हैं डीना पानी वाली रोड में और यहाँ पे कसाड़ देवी का बहुत ही बढ़िया बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पे ना काफ़ी यार, ये एक मोड़ ये है, एक मोड़ आगे आने वाला है और एक मोड़ एक और आएगा। 3 मोड़ ऐसे हैं यहाँ पे जो पूरा बिल्कुल सी कर्व बनना है पूरा। एक ये वाला मोड़ है, उसके बाद अपना पूरी मतलब ठीक रोड। तो ये वाली लोकेशन यार मेरी पहले से ही बहुत ही ज़्यादा मतलब फेवरेट लोकेशन है जहाँ हम जा रहे हैं। और ये रोड भी मुझे बहुत ही अच्छी लगती है और यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट तरीके के आपका रिजॉर्ट भी हैं और रेस्टोरेंट भी हैं। और यहाँ पे चाइनीज़ आइटम से लेके मतलब चाइनीज़ आइटम भी बहुत ही मतलब अच्छा मिलता है। तो देखते हैं भी आगे क्या करते हैं आज। तो थोड़ा शाम का टाइम हो गया है और मेरा पहला मोटो व्लॉग है मतलब GoPro से, तो आई थिंक पता नहीं कैसा बन रहा होगा। अब घर ही जा के देखूँगा और जब एडिटिंग करूँगा तो तभी पता चलेगा कि कैसा बना हुआ है। तो ये आ गया अपना सिमतौला इको पार्क और यहाँ से ऊपर को यार काफ़ी बढ़िया है, मतलब बच्चों के खेलने के लिए पार्क, घूम मतलब बड़े भी जा सकते हैं, तो काफ़ी बढ़िया पार्क है। कभी यहाँ भी जाएंगे, मैं यहाँ बहुत टाइम से नहीं गया हूँ तो कभी टाइम निकाल के जाएंगे यार। टाइम निकालना बहुत ही मुश्किल हो रहा है आजकल। तो यार ये वाली रोड में बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, अभी थोड़ा सा आगे जाएंगे, थोड़ा सा धूप कहीं पर है कहीं पर नहीं है। और ये जो रोड देख रहे हैं अग्रसर भी जाती है और अब लगेगा हमें ठंडा क्योंकि अभी दिसंबर का टाइम चल रहा है तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है यार। अब यहाँ पर तो धूप ही नहीं देखने को मिलेगी, तो जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ तो हमें धूप मिल ही जाएगी। ये देखिए आप लोग, धूप का साया तक नहीं है और सामने काफ़ी बढ़िया यार पहाड़ दिख रहे हैं। तो जैसा मैंने पहले भी बोला हुआ था, यहाँ पे काफ़ी बढ़िया बढ़िया रिजॉर्ट हैं और अच्छे अच्छे मतलब बहुत ही प्यारे रेस्टोरेंट हैं। तो एक सामने ये है अपना, ये सबसे पुराना है यार यहाँ पे कसाड़ देवी का। और सामने चलते हैं, अभी बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। तो सामने यार हिमालय दिख रहे हैं और जिस लोकेशन की मैं बात कर रहा था, तो हम जा रहे हैं यहाँ ऊपर डीना पानी, वैसे डीना पानी वाली रोड आ गई है ऊपर, यहाँ पे ग्राउंड है इधर साइड पे, तो हम इधर ही साइड जा रहे हैं और देखते हैं यार अभी कैसा रहता है। मेरे को ये लोकेशन बहुत अच्छी लगती है, सामने पूरे पहाड़ी पहाड़ हिमालय हैं। और अभी हम राइट हैंड की तरफ होते हैं, यहाँ से अपना राइट हैंड निकलते हैं और आपसे भी मिलते हैं हम सीधे ऊपर ग्राउंड में। सो
सो फाइनली यार हम पहुंच चुके हैं इस फील्ड में, और यहाँ पर हाल ही में अभी दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह भी आए हुए थे, तो यहीं पे आए हुए थे इसी ग्राउंड पे। अभी हम चलते हैं ऊपर अपना ग्राउंड की तरफ, तो ग्राउंड में देखते हैं, आई थिंक वहाँ से मेरे ख्याल से पहाड़ हमें मतलब हिमालय दिखें, तो चलते हैं। तो यार यहाँ पर से काफ़ी अच्छे हिमालय दिख रहे हैं, देखिए आप लोग दूर दूर तक, थोड़ा बहुत तो दिख रहे होंगे कैमरे में। और ये जो ग्राउंड है यार, बेसिकली यहाँ पे लोग गाड़ी भी सीखते हैं, और फोर व्हीलर या टू व्हीलर, और यहाँ पे हमने भी एक टाइम पे यहीं पे सीखी हुई थी। अब थोड़ा थोड़ा मैं भूल चुका हूँ, वरना मेरे को थोड़ा बहुत फोर व्हीलर यहीं पर सीखी थी मैंने, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत अपना काम भी चल रहा है। और ये है अपना यार सामने कुछ इस तरीके का, आप लोग एक बार देखिए। आज हमारा कुछ ऐसा मतलब टूर था, मैंने सोचा था कि सुबह से ही बना लूं, बट टाइम नहीं मिल पाया, तो अभी मैं काफ़ी लेट हो गया, 4 बज गए हैं, सामने से धूप भी चमक रही है, और अभी पहले धूप सेकते हैं। थोड़ी देर हम यहीं रुकेंगे और उसके बाद हम चलेंगे अपना अपना घर की तरफ। भयंकर इतनी भयंकर धूप चमक रही है, देखिए आप लोग, यह पूरा यहाँ पर टैग वैग पता नहीं क्या क्या बनाया हुआ है इन्होंने, तो अच्छा लगता है ये भी, बाकी आसपास की लोकेशन कुछ ऐसी है। और यार ये जो वीडियो बनी है, ये अभी पहली वीडियो है हमारी GoPro से, तो मैं टेस्ट भी देखना चाह रहा था कि कैसा आता है, एंगल भी हमने पूरा सेट करा था, पहले एंगल भी मैंने सेट नहीं हो पा रहा था, तो थोड़ा बहुत यूट्यूब से ही देख देख के सीखा है ये सब चीज़ें, तो पूरा सेटअप किया और आज हम फाइनली हमने अपना ब्लॉग पूरा बनाया। तो अभी हमने धूप सेक ली है और अब चलते हैं, थोड़ा लेट भी हो रहा है, घर भी जाना है, तो इस वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें यार। तो मिलते हैं यार आपसे एक नेक्स्ट ब्लॉग में।